हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम्पल पर। मैं तो दोस्तों DSSB की तरफ से न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है 2024 के लिए, यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से यहां पर बम्पर भर्ती निकल कर आ रही हैं, जो कि आपकी रहेगी LDC जूनियर असिस्टेंट स्टेनो और असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की। दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, यानी कि आपको फॉर्म भरने से ज्वाइनिंग तक क्या क्या प्रोसेस होगी, अप्लाई करने की डेट क्या है, एज क्या है, फीस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, पूरी कुछ इस वीडियो में डिटेल से जानकारी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको देख रहा होगा, ठीक है, देखिए वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड टू, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश और लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट। काफ़ी सारे पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई, जिसका पोस्ट कोड जो है वो 802-23 रखा गया है, ठीक है। और आपका जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो 9 जनवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, तो जल्दी जाइए इसका फॉर्म भर दीजिए। बाकी इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 7 फरवरी यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है, रात के 12 बजे तक, तो इससे पहले इसका फॉर्म आप भर दीजिएगा। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्वायर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ LDC जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड टू, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी एंड इंग्लिश, LDC क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट। पोस्ट कोड 802/23 आपका रहने वाला है। अगेंस्ट वैकेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ एन सिटी ऑफ दिल्ली ऑटोनोमस बॉडी लोकल बॉडीज एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। तो ये पूरी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती निकली है इसके बारे में डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। ये आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है कि आपका जो पोस्ट कोड है वो क्या है। तो सभी पोस्ट के लिए एक ही पोस्ट कोड है, जो कि 802/23, ठीक है। यहाँ पर कुल जो पोस्ट टाइप है वो है 14 तरीके की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, जिसके जो नाम है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे मैं आपको पूरा इसके बारे में डिटेल बताने वाला हूँ। यहाँ पर उसका नेम ऑफ डिपार्टमेंट लिखा है, किस डिपार्टमेंट से वो निकली है, यहाँ पर उसका पे लेवल लिखा है, यानी कितने लेवल की है, इसमें क्या सैलरी आपको मिलेगी, यहाँ पर आपकी वैकेंसीज दी हुई है कैटेगरी वाइज की, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है। आगे इसकी डिटेल में बात करने वाले हैं, तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए लगा हुआ है कि ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपका जो फॉर्म है केवल ऑनलाइन तरीके से भरा जाएगा, और एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पोस्ट बाय हैंड और बाय मेल ETC विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो केवल ऑनलाइन तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा, बाकी तरीके से आप भरते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो उससे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पर और भी डिटेल लिखी हुई, देखिए यहाँ पर लिखा है द डिटेल्स रिगार्डिंग नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट कोड, नंबर ऑफ वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन असेंशियल और डिजायरेबल, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड असेंशियल डिजायरेबल, पे स्केल, एज लिमिट ETC एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स प्रोवाइडेड बाय दी यूजर डिपार्टमेंट आर टेबलेटेड बिलो। यानी कि ये पूरी डिटेल जो है इसकी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एज कितनी है, सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर पोस्ट वाइज इन्होंने दे रखा है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं किस पोस्ट पर ये निकली है। तो सबसे पहला हमारा पोस्ट कोड सबके लिए सेम है, 802/23। नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो सर्विसेज डिपार्टमेंट से भर्ती निकल कर आ रही है, जिसकी आपको पोस्ट का नेम है वो है आपका ग्रेड 4, या इसे कह लें जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, ग्रेड 4 या जूनियर असिस्टेंट इस पोस्ट का नाम है। इसकी बात कर लें इसमें वैकेंसी कितनी है, तो टोटल 1672 वैकेंसी इसमें निकली हुई है, जिसमें UR की 788, OBC की 500, SC की 194 और ST की 40 और EWS की 150 वैकेंसी है। तो इस पोस्ट का आप फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना, इस पोस्ट का आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करना है। इस पोस्ट को टारगेट पर रखिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो इसी पोस्ट पर निकली हुई है, ठीक है। इसके बाद बाकी जो कैटेगरी है PWD वगैरह एक्स सर्विसमैन वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, तो ये एसेंशियल है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। आपके पास 12th पास फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज बोर्ड एज, जो भी कैंडिडेट ने 12वीं पास कर रखा है वो इसका फॉर्म भर सकता है और जॉब ले सकता है। दूसरा, आपको टाइपिंग आना चाहिए, टाइपिंग की स्पीड जो रहेगी वो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, या मतलब या तो इंग्लिश में हो या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ध्यान रखिएगा कोई भी एक, ध्यान रखना कोई एक आपको टाइपिंग आती हो, इसका आपका टेस्ट होगा बाद में। तो अभी आपको नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप फॉर्म भर लीजिए, बाद में आप टाइपिंग सीख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी एक टाइपिंग आपको आना चाहिए।
इसके बाद ये एक्सपीरियंस इसमें मांगा नहीं गया है, तो इसे हम पढ़ेंगे नहीं। पे स्केल देख लेते हैं, यानी कि अगर आप इस पोस्ट का फॉर्म भरते हैं तो इसमें सैलरी क्या मिलेगी। तो इसका जो पेमेंट रहेगा वो 19,900 से 63,200 रहने वाला है। लेवल 2 की ग्रुप सी की ये पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। और इसमें अगर इन हैंड की मैं बात करूँ, ये इसका बेसिक पे रहेगा जो 19,900। इन हैंड की मैं बात करूँ तो 32 से लेकर 35K के बीच आपको मिलने वाली है। ये सिटी वाइज वेरी करेगा, ठीक है। चलिए, जहाँ तक आपको दिल्ली में ही जॉब मिलेगी तो ये आपकी जो सैलरी है वो 32 से 35 इससे भी एवअप होने वाली है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 27 साल की उम्र के व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाती है। तो इस पोस्ट कोड का फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। चलिए, दूसरे नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो यह है, ये भी सर्विसेज डिपार्टमेंट से निकल कर आ रहा है, जिसमें आपकी जो पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर की आती है, ठीक है। तो जिस किसी भाई के पास स्टेनो हो वो इसका फॉर्म जो है जरूर भरिएगा। इसमें भी काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है, जो कि 143, UR की 57 है, OBC की 34, SC की 23 और ST की 20 और EWS की 9 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो इसमें भी कोई केवल 12वीं पास अगर आपने कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जो स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग में, किसकी, इंग्लिश की या फिर हिंदी की देना चाहते हैं तो 80 होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, और टाइप राइटिंग में आपकी 35 वर्ड पर मिनट किसमें हिंदी में स्पीड होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस में भी इसमें भी नहीं मांगा गया है। पे स्केल की बात कर लें तो ये आपकी लेवल 4 की जॉब है, जो कि बहुत शानदार जॉब है दोस्तों। इसका बेसिक पे रहेगा 25,500, ग्रुप सी की ये पोस्ट है, और इन हैंड जो सैलरी है आपको मिलेगी 45K के अराउंड, आपको यहाँ पर वैकेंसी जो सैलरी है वो मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, एज लिमिट की बात कर लेते तो 18 से 27, और वही छूट मिलेगी जो मैंने ऊपर आपको बताई थी जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तीसरी हमारी पोस्ट जो निकल कर आ रही है वो है डिपार्टमेंट है दिल्ली अर्बन सेंटर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, ठीक है। इसमें जो पोस्ट है, जो कि सबसे इसके सेकंड नंबर पर जो मोस्ट लाइकली पोस्ट है, वो है आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट हिंदी या इंग्लिश के लिए, ठीक है। ये सबसे शानदार पोस्ट है ये भी। तो इसके टोटल 256 वैकेंसी है, UR की 107 वैकेंसी है, OBC की 69 वैकेंसी है, SC की 35, ST की 19 वैकेंसी और EWS की 26 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आपको देखने को मिल रही है, ओके। चलिए बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई है। तो इसमें भी अगर आपने 12वीं केवल पास कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें भी जो टाइपिंग की स्पीड मांगी गई है इंग्लिश की, अगर टाइपिंग करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट आपके पास होने चाहिए, और अगर आप हिंदी की करते हैं तो आपके पास 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। ये की डिप्रेशन वगैरह रखें तो ये आपको ज़्यादा मैटर नहीं है, बस आपकी टाइपिंग 35 इंग्लिश में, 30 हिंदी में आनी चाहिए, कोई भी एक, है ना, एनी वन आपकी टाइपिंग आनी चाहिए, दोनों नहीं केवल एक आपको आना चाहिए। बात कर लेते हैं सैलरी क्या मिलेगी, तो वही 19,900 से 63,200 बेसिक पे है, और पे लेवल 2 या लेवल 2 की जॉब है, ग्रुप सी की पोस्ट है, जो आपको मैंने ऊपर बताया था 32K से 35K के बीच आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल आपको यहाँ पर एज लिमिट देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और बाकी की एज जो छूट रहेगी वो रहेगी, बाकी जो अदर डिटेल है वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अगली जो पोस्ट निकल कर आ रही है दोस्तों हमारी, वो है चौथे नंबर की, ये भी आपका दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड है, और इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकल कर आ रही है। इसमें भी स्टेनो की पोस्ट है, तो यहाँ पर वैकेंसी है 20, वही UR की 10, OBC की 5, SC की 3, ST की 1, EWS की 1, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर ले तो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग, हैविंग एटलीस्ट स्पीड ऑफ 80 और 40, वही जो आपको ऊपर स्टैंडों की चीज़ें मांगी गई थी वही इसमें मांगी गई, ठीक है, सेम चीज़ है। चलिए, है ना, चलिए इसके बाद पे स्केल इसमें देख लेते हैं, तो वही लेवल 4 की जॉब है, तो वही आपको 45K के अराउंड सैलरी देखने को मिलेगी। एज लिमिट 18 से 30 इसमें रखा गया है, ओके। चलिए अगले जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये दिल्ली के अंदर ही है, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में ये भर्ती निकली हुई है, ठीक है। इसमें जूनियर असिस्टेंट की ये पोस्ट है, जिसमें कि आपकी 40 वैकेंसी निकली हुई है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ओके, अगर मैं वीडियो में बताऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर लें, जो आपको चाहिए वो है 12वीं पास, और आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35, हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है। पे स्केल वही लेवल 2 की पोस्ट है, आपको सैलरी ऊपर बता चुका हूँ कितनी आपको मिलने वाली है। एज लिमिट की बात कर लें तो 18 से 27 साल आपको एज लिमिट रखी गई है, बाकी एज रिलैक्सेशन जो मैंने बताया था वही रहने वाला है। चलिए, 6वें नंबर की जो पोस्ट है वो भी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से निकली है, जिसमें कि आपकी
जिसमें कि आपकी दोस्तों स्टेनोग्राफर की ये पोस्ट निकली हुई है। स्टेनो के लिए 14 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है। ठीक है, चलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही 12th पास और 80 शॉर्ट हैंड में और 40 आपकी टाइपिंग होनी चाहिए आपकी इंग्लिश कंप्यूटर में। हिंदी की वही 80 और 35 आपकी होनी चाहिए। वही पे स्केल रहेगा लेवल 4 का और इसमें भी एज लिमिट 18 से 27 साल रहने वाली है। बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला जो पोस्ट निकल कर आ रहा है वो है आपका जूनियर असिस्टेंट का, जो कि आपका डिपार्टमेंट रहेगा दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसमें 30 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें अलग अलग पोस्ट अलग अलग कैटेगरी की ये वैकेंसी आपको दिख रही होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम है, लगभग 12th पास है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी जो पोस्ट है वहाँ पर आपको केवल 12th पास आपका होना चाहिए। अगर स्टेनो है, स्टेनो का फॉर्म भरना है तो 80 आपका शॉर्ट हैंड होना चाहिए, ठीक है, और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। वहीं आप LDC का या जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरते हैं तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और वही आपकी 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए। ये एक मोस्ट कॉमन चीज़ है जो कि सबके लिए आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें भी देखिए 35 वर्ड्स पर मिनट किसमें होगी, टाइप राइटिंग यानी कि इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। स्किल टेस्ट सेल ओनली बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर द टाइम अलॉटेड 10 मिनट्स, यानी कि जो भी आपके स्टेनो के LDC के जो स्किल टेस्ट होंगे वो आपके कंप्यूटर पर होंगे, यानी कि कंप्यूटर आप पर आपको जो है टाइपिंग करके यहाँ पर इसको पास करना होगा। ओके, चलिए, पे स्केल वही लेवल 2 के लिए सबके लिए सेम है, ठीक है। एज लिमिट 18 से 27 साल भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। अब इसमें देखिए, इसमें है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, पर्टिकुलर इंग्लिश के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 2, ठीक है, जिसको भरना है आप भर देना इस पोस्ट कोड के लिए। बाकी जो मोस्ट जो अच्छी अच्छी वैकेंसी थी वो मैंने आपको ऊपर बता दी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही 12th पास है और यहाँ पर शॉर्ट हैंड की स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश के लिए स्पेशल मांग रहा है इसलिए, है ना। और टाइपिंग स्पीड कितनी, 40 आपकी होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी पे स्केल सेम है लेवल 4 का, वही 45,000 के आसपास आपको मिलेगी। एज लिमिट 18 से 27 साल रखा गया है, ठीक है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स की यदि बात करें दोस्तों, तो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में जूनियर असिस्टेंट की है। इसमें टोटल 28 पोस्ट है, ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज ये पोस्ट देख रखी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की 12th पास आपके पास होना चाहिए और वही 35 और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होना चाहिए। पे स्केल वही रहेगा लेवल 2 का और एज लिमिट 18 से 27 साल आपकी मांगी गई है। अगला है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि पोस्ट कोड पोस्ट है हमारी 10वें नंबर की, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की ये पोस्ट है। इसमें टोटल 5 वैकेंसी है, ठीक है, तो आप इसको आप अगर आप इसको भरना चाहें तो भर दीजिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है 12th पास प्लस 80 और 40 स्पीड, है ना, या हिंदी में 80 और 35 स्पीड, ठीक है, वही बेसिक है, ठीक है। पे स्केल इसका लेवल 4 का वही रहेगा और एज लिमिट 18 से 27 साल रहने वाली है। अगला है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, जिसमें LDC की पोस्ट निकली हुई है और इसमें टोटल 28 पोस्ट हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज ये पोस्ट आपको दे रखी है। वही 12th पास चाहिए और टाइपिंग स्पीड 35 और 30 की मांगी गई है। पे स्केल वही रहेगा लेवल 2 का पोस्ट रहेगा, वही 32 से 35 हज़ार, और जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल रहने वाली है। अगला 12 है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में, इसमें भी जूनियर असिस्टेंट है। टोटल 10 पोस्ट हैं, लेवल 2 की ये पोस्ट है। वही 12th पास, 35 और 30 की स्पीड मांगी गई है। एज लिमिट वही आपकी 18 से 27 साल रहने वाली है। 13वें नंबर की जो पोस्ट है दोस्तों हमारी, वो जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी जिसने कर रखा है उसके लिए, और ये जो आपका डिपार्टमेंट है वो है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं, UR की है केवल, तो अगर आप इसका भरना चाहते हैं तो भर दीजिएगा, है ना। ये सारी आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये भी लेवल 4 की जॉब है और 18 से 27 साल वाले कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। 14वें नंबर की पोस्ट है हमारी दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन की। इसमें असिस्टेंट ग्रेड 1 की ये पोस्ट है। ये भी काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है, तो इसका भी फॉर्म आप भर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। इसमें एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी हुआ है 12th सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास एंड शुड पास द टाइप राइटिंग इन इंग्लिश विद मिनिमम 35 और हिंदी में 30। वही सेम है, बस कुछ नहीं है, है ना, सेम है। पे स्केल वही लेवल 2 की रहेगी और एज लिमिट 18 से 27 साल रहने वाली है। तो दोस्तों जितनी भी यहाँ पर डिपार्टमेंट थे, जितनी भी पोस्ट थी, 14 तरीके की पोस्ट थी, सारी मैंने बता दी। सब में लगभग सेम मैंने बता दी, 12th पास होने चाहिए, हिंदी इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग, हिंदी की 30 और स्टेनो के लिए भी 80 और 40। एक दो में यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको बता दिए। आगे डिटेल देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि
जो आपकी गणना की जाएगी, कैलकुलेशन की जाएगी, तो जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी कि आपका 12th पास है, एज जो काउंट की जाएगी, एक्सपीरियंस वगैरह सारा कुछ 7 फरवरी 2024 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दी वेबसाइट, ये वेबसाइट है, आप नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम से आप ले लेते, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर देखिए मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया है, तो जाके इसको ज्वाइन कर लेना, ये नाम है द एग्जाम हेल्पर, टेलीग्राम पर जाके नाम सर्च करेंगे, 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हैं, ज्वाइन कर लेना, यहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसमें लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी अपडेट देते रहता हूँ, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और दोस्तों ये हमारा सेकंड चैनल है जिसमें मैं जीके की तैयारी कराता हूँ, तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर्स के वीडियो मिल जाएंगे, अभी इसका सिलेबस डिटेल में बताऊँगा आपको, उसमें कंप्यूटर पूछा गया है, हिंदी पूछा गया है, जीके पूछा गया है ना, तो ये सारे मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप हमारे जो चैनल है उसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सेकेंड चैनल को, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब मैं नोटिफिकेशन कोई भी अपडेट डालूँ तो वो आपको तुरंत से तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप भर सकते हैं, जो कि आपको 7 फरवरी लास्ट डेट है, कब तक, रात 12 बजे तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला है एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रखी गई है, तो 100 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है, और वुमेन कैंडिडेट या SC ST से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 0 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। चलिए, एग्जामिनेशन स्कीम्स देख लेते हैं, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि DSSSB विल कंडक्ट 1 टीयर एग्जामिनेशन टीयर फर्स्ट, यानी कि केवल आपका ओनली एक एग्जाम होगा, ओनली वन एग्जाम आपका यहाँ पर होगा, और आपका उसके थ्रू सिलेक्शन होगा, उसके बाद जो रहेगा वो आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। पहला एग्जाम हो जाएगा सभी का, फिर आपका स्किल टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपकी ये सारी पोस्ट लिखी हुई है, सारी पोस्ट का सेम एग्जाम, सेम पैटर्न रहेगा, सेम एग्जाम मोड रहने वाला है, ठीक है। पोस्ट कोड सबका सेम था, 802/23। यहाँ पर एग्जाम की टाइमिंग रहेगी 2 घंटे की, टोटल क्वेश्चन आपसे 200 पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स आपको 200 मिलेंगे, ग्रैंड टोटल आपका 200 का रहने वाला है। जिसमें सिलेबस की बात कर लें कि क्या सिलेबस इसका रखा गया है, तो सिलेबस को आप यहां से देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस के 35 मार्क्स पूछे जाएंगे, ठीक है। इसकी तैयारी मैं अपने सेकंड चैनल पर कराऊंगा, तो वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर लेना जरूर, द एग्जाम हेल्पर जी के, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के आपके 35 मार्क्स पूछे जाएंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपसे 35 मार्क्स यानी मैथ्स के 35 मार्क्स पूछे जाएंगे, और उसमें DI भी आपसे पूछा जाएगा। हिंदी लैंग्वेज से आपके 35 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसकी भी मैं प्रेपरेशन अपने चैनल पर करा दी है, तो जाके देख लेना, वीडियोज आपको अवेलेबल हो जाएंगे इस चैनल पर भी। आप मेरा मेन चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पर भी मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें सारा आपका कंटेंट आपको वहाँ से मिल जाएगा। बात कर ले इंग्लिश लैंग्वेज की, ये भी 35 मार्क्स की आपकी आने वाली है। इसके बाद जो आपका कंप्यूटर रहेगा वो आपका 25 मार्क्स का आने वाला है, इसकी क्लासेस तो मैं चलाने वाला हूँ, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए जीके वाले चैनल को। चलिए, जो आपका क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। चलिए, अगली है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ इसमें 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। स्किल टेस्ट या एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब, यानी कि जिसमें स्किल टेस्ट चाहिए और एंड्योरेंस टेस्ट चाहिए, वो आपका जब आप ये फर्स्ट एग्जाम निकाल लेंगे उसके बाद आपका लिया जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन विल हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ दिस 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 फॉर वेरियस डिपार्टमेंट लोकल ऑटोनोमस बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। डिटेल प्रेफरेंस फ्रॉम कैंडिडेट फॉर द पोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स लोकल ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली विल टेकन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन कॉलिंग ऑफ E-Dossier, है ना, E-Dossier, यानी कि शायद इनका हो सकता है जब आपका एग्जाम टीयर फर्स्ट कंप्लीट हो जाए, टीयर फर्स्ट कंप्लीट हो जाए, तो एक ये लिंक जारी करें और उसमें बोले कि आप अपनी पोस्ट कोड यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, तो जिस प्रेफरेंस में आपने पोस्ट अपनी सेलेक्ट की होगी उस प्रेफरेंस में आपको यहाँ पर जो है स्किल टेस्ट देने को मिलेगा, है ना, या उस डिपार्टमेंट पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, या हो सकता है जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हों वहाँ पर भी आपको ये लिंक दे, ये प्रेफरेंस का ऑप्शन दे दे कि किस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट एक्सरसाइज हिज या हर प्रेफरेंस, देन इन केस ऑफ हिज या हर सेलेक्शन द अलॉटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट विल बी मेड बाई द बोर्ड्स एंड इट्स डिस्क्रिशन इन अ डिपार्टमेंट फॉर विच द कैंडिडेट इज फाउंड एलिजिबल एज पर RRS एंड सच डिसीजन विल बी फाइनल। या और अगर आप इसको नहीं भर पाते हैं पोस्ट प्रेफरेंस को किसी कारण से, तो जो आपका बोर्ड है वो डिसाइड करेगा किसके बेसिस पर, आपकी जो मेरिट रहेगी उसके बेसिस पर डिसाइड करेगा, और अच्छे से अच्छा आपको डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस वंस कन्फर्म एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन कॉलिंग ऑफ E-Dossier विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड विल नॉट बी अलाउड टू बी चेंज सब्सिक्वेंटली। और एक बार अब जब आप भर देंगे तो उसे चेंज नहीं किया जाएगा, तो ध्यान से आप जब आप इसका लिंक आएगा तो आप उसे भरिएगा।
मोड ऑफ सेलेक्शंस की बात कर लें तो मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, विल बी नॉर्मलाइज इफ रिक्वायर्ड। उसमें नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है अगर रिक्वायर्ड रही, और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी एंड सेलेक्शन हो जाएगा और उस पर टाइपिंग वगैरह आपकी होने वाली है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो यहाँ पर लिखा है कि द फाइनल अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट या डिपार्टमेंट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, यानी मेरिट को भी देखा जाएगा और आपके मार्क्स को भी यहाँ पर देखा जाएगा और पोस्ट को भी देखा जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट, वंस अ पोस्ट या डिपार्टमेंट इज अलोकेटेड, एक बार जो आपको डिपार्टमेंट मिल गया उसके बाद उसमें कोई भी चेंज यहाँ पर बोर्ड के द्वारा नहीं किया जाएगा। रिजर्वेशन के बेनिफिट्स जो आपको ये मिलेंगे वो अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या अदर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, अकॉर्डिंग विद द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन ऑर्डर ए सर्कुलर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी न्यू दिल्ली, है ना, जो न्यू दिल्ली की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो आपके बने हुए। ठीक है, ओबीसी के लिए गाइडलाइन लिखी है तो इसको पढ़ लेना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। ठीक है, ओनली फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एज वैलिड एज सर्टिफिकेट फॉर ग्रांट ऑफ बेनिफिट रिजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है किस किस डिपार्टमेंट से आपके ये बने हुए होने चाहिए। ओके, एज रिलैक्सेशन जो मैंने बता दिया, एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल, बाकी का आप दे सकते हैं पीडब्ल्यूडी वगैरह का। ठीक है, चलिए इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है मैंने सारी आपको हाईलाइट कर दी यहाँ पर, इसके जो फॉर्म्स वगैरह हैं, है ना। चलिए यहाँ पर लगभग मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। ठीक है, और जब इसका फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि आपका एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन को आपको नोट कर लेना है, फिर आपको दोबारा से उस पर लॉग इन करना है। ठीक है, और लॉग इन करने के बाद आपको द एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आफ्टर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू पुट हर या हिज रजिस्ट्रेशन नंबर एज लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर एक्सेसिंग दी ओएआरएस। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद दोबारा लॉग इन करके फिर आपको वैकेंसीज के लिए यहाँ पर अप्लाई करना होगा। इसमें जहाँ तक है ये आपका एक ही फॉर्म भराएंगे और उसमें सारी वैकेंसी आपकी यहाँ पर शायद सबमिटेड हो जाएंगी। ठीक है, या फिर अलग अलग भी भरवा सकते हैं, आप बताइएगा कि किस तरीके से इसका फॉर्म आपको भर रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दे दी है कि किस किस तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और ऑल इंडिया के जो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट है इसका फॉर्म भर देना, नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस पर आपको जीके की तैयारी, हिंदी की तैयारी, कंप्यूटर की तैयारी कराई जाएगी, और इस चैनल पर आपको अपडेट दी जाती है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोनों चैनल को। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।